हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube फैमिली जीके स्कॉलर पर। सो फ्रेंड, जीके स्कॉलर चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। सो फ्रेंड, जैसे कि आप अभी अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी जो RRB NTPC ग्रुप डी की जो डेट है दोस्तों, वो आ चुकी है, जो कि 15 दिसंबर अनाउंस की गई है। दोस्तों ये डेट आपके बढ़ भी सकती है, ठीक है ना, कोई फिक्स डेट नहीं हुई है अभी। आई होप कि इसी डेट से आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे दोस्तों। तो सो फ्रेंड, उसी के बेस पर दोस्तों मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ कुछ कंपनियाँ और उसके संस्थापक दोस्तों, जो आपके वर्तमान में चल रहा है, ठीक है ना, तो 2020 में चल रहा है दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और जो क्वेश्चन जिससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, उसी के बेस पर मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूँ दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत देखना है, अंत तक देखने के बाद बीच में स्किप किए बिना नहीं जाना है दोस्तों, ठीक है। अंत तक वीडियो देखने के बाद तब आप देखना, अगर वीडियो को अच्छे लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से आपको अगर क्वेश्चन में हैजा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैक्सिमम 3 to 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे दोस्तों, और इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है ना। मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि इससे बाहर, इस वीडियो से बाहर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं जाने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, ठीक है ना। उसके बाद आप बताना है कि वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना, और नीचे दोस्तों रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसको किसी भी तरह से दबा देना, ठीक है, वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना है भी ना भूलना। चलो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा आपको कंपनीज एंड देयर फाउंडर्स, ठीक है ना, कंपनीज एंड देयर फाउंडर, ठीक है दोस्तों। जो कंपनी है उसके फाउंडर हैं, उनके संस्थापक कौन है दोस्तों, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं आपके रेलवे के लिए एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो दोस्तों आपको तैयारी में लग जाना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपको दो से तीन क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिल जाएंगे इस वीडियो से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं, देख लो पहला क्वेश्चन क्या था यहाँ पर आपका, दोस्तों वॉलमार्ट है दोस्तों, वॉलमार्ट के संस्थापक दोस्तों कौन है, ठीक है ना, जो आप सभी जानते हैं वॉलमार्ट है दोस्तों, तो उसके दोस्तों संस्थापक कौन है वॉलमार्ट के, ठीक है ना। तो दोस्तों उसके आपको आंसर नीचे दिख रहा होगा कौन है, सैम बोल्टन, ठीक है ना, आंसर आपके सामने हैगा सैम बोल्टन। दोस्तों उन्होंने जो स्थापना करी थी इसकी दोस्तों, ये उन्होंने करी थी 1962 में, ठीक है ना, 1962, ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा उसकी डेट भी, ठीक है ना, सिंपल है। वॉलमार्ट का संस्थापक कौन है दोस्तों, आपसे पूछेगा वॉलमार्ट का संस्थापक कौन है, आपका आंसर होना चाहिए सैम बोल्टन, ठीक है ना, सैम बोल्टन दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, ओके दोस्तों। तो चलो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि पेटीएम के दोस्तों संस्थापक कौन है, ठीक है ना दोस्तों, अब आपको बताना है कि पेटीएम के दोस्तों संस्थापक कौन है, ठीक है दोस्तों। आंसर आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, कहता है कि विजय शेखर शर्मा, ठीक है ना, विजय शेखर शर्मा दोस्तों कौन है, ये पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा दोस्तों। इन्होंने जो इसको एस्टेब्लिश किया था दोस्तों, इन्होंने कहा 2010 में, 2010 में, ठीक है ना, 2010 में दोस्तों विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम को एस्टेब्लिश किया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विजय शेखर शर्मा, ठीक है ना, डन। चलो दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर कहते हैं कि गूगल के दोस्तों संस्थापक कौन है, ठीक है ना, आप दोस्तों बताना आपके गूगल के संस्थापक कौन है आपको, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं कि कौन है इसका, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लैरी पेज सर्फ ब्रीन, ठीक है ना, लैरी पेज और सर्फ ब्रीन दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डन दोस्तों। और डेट आपके सामने दोस्तों दी हुई है 1998, ठीक है, 1998 डेट आपके सामने दी हुई है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने है, कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक दोस्तों कौन है, ठीक है ना। अब दोस्तों आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है ये दोस्तों, आप सभी जानते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है, बिल गेट्स, ठीक है ना, पॉल एलन, 1975 डेट है इसकी, ठीक है, बिल गेट्स, पॉल और एलन, ठीक है, डेट 1975, डन। 1975 में दोस्तों इसकी स्थापना की थी किसकी, माइक्रोसॉफ्ट की, किसने की थी, बिल गेट्स और पॉल एलन ने, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब फिफ्थ की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपके सामने है, कहता है कि दोस्तों व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है, ठीक है ना, जो आप सभी ज़्यादा मैक्सिमम 100% लोग, मैं कहना चाहता हूँ 100 नहीं तो 95% लोग
व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अब उसकी स्थापना किसने करी थी, दोस्तों व्हाट्सएप को किसने लॉन्च किया था, तो दोस्तों उनका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो ब्रायन एक्टन और जेम कॉम ने, ठीक है ना, ब्रायन एक्टन और जेम कॉम ने दोस्तों व्हाट्सएप को एस्टेब्लिश किया था, ठीक है, कब किया था, 2009 में, ठीक है, 2009 में इसको एस्टेब्लिश किया था। डन भाई, सभी को समझ आ रहा है ना। चलो फिर दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं कि दोस्तों अमेजोन के संस्थापक दोस्तों कौन है, ठीक है ना। अब दोस्तों बताना आपको अमेजोन के संस्थापक कौन है, तो वेरी गुड दोस्तों, कौन है, जेफ बेजोस, ठीक है ना, जेफ बेजोस दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो उसकी डेट क्या जाएगी दोस्तों, 1994 दोस्तों उसकी यहाँ पर डेट हो जाएगी, ठीक है ना, सिंपल था ये भी। ओके दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर दोस्तों, बिना किसी देरी किए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि फ्लिपकार्ट का संस्थापक कौन है, ठीक है ना। दोस्तों फ्लिपकार्ट का संस्थापक आपको बताना है कौन है, ठीक है, वेरी गुड दोस्तों, कौन है वो, तो दोस्तों वो है आपके सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, ठीक है ना, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसकी डेट दोस्तों आपके सामने दी हुई है कितनी है, 2007 यानी 2007 इसकी डेट यहाँ पर आपके सामने दी हुई है। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से याद हो गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं कि दोस्तों याहू के संस्थापक कौन है, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, याहू के संस्थापक दोस्तों कौन है, दोस्तों कौन है, डेविड फिलो और जेरी यंग, ठीक है ना, डेविड फिलो और जेरी यंग, ठीक है। और कब की दोस्तों उन्होंने स्थापना इसकी, दोस्तों वो की थी इसकी 1994 में, ठीक है ना, 1994 को इसको एस्टेब्लिश किया था, किसको, याहू को, ठीक है ना। अरे सभी को समझ आ रहा होगा ना, जल्दी बताइए, सभी को समझ आ रहा है ना। ओके दोस्तों चलो देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9, सभी को समझ आ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों एप्पल का संस्थापक दोस्तों कौन है, ये भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये, ठीक है ना, और आप सभी, आई होप आप सभी को इसका आंसर पता भी होगा। तो दोस्तों कौन है, स्टीव जॉब्स, ठीक है ना, कौन है, स्टीव जॉब्स एप्पल का संस्थापक हैं, ठीक है। और दोस्तों उसकी स्थापना कब हुई थी, 1976, ठीक है ना, 1976 को दोस्तों एप्पल को लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विकिपीडिया का दोस्तों संस्थापक कौन है, जिस पर दोस्तों आप सभी डेली यूज़ करते होगे विकिपीडिया को, ठीक है ना, ठीक है, जो आप क्वेश्चन सर्च करते हो गूगल से, तो आप किसके माध्यम से सर्च करते हो, विकिपीडिया के माध्यम से, ठीक है। दोस्तों अब विकिपीडिया को संस्थापक कौन है, इसको किसने लॉन्च किया था दोस्तों, तो दोस्तों उन्होंने क्या था, उनका नाम था जिमी बेल्स, ठीक है ना, जिमी बेल्स ने दोस्तों इसको 2001 में एस्टेब्लिश किया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2001, जिमी बेल्स, डन, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। ओके दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मोटोरोला के संस्थापक दोस्तों कौन है, ठीक है ना, मोटोरोला के संस्थापक कौन है दोस्तों, आपको बताना है ये। तो दोस्तों इसका यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पॉल एंड जोसेफ गैवलिन, ठीक है ना, पॉल एंड जोसेफ गैवलिन, दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1928 को, ठीक है। मोटोरोला के संस्थापक कौन है, पॉल एंड जोसेफ गैवलिन, डन है ना, यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा आई होप। चलो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर दोस्तों, बिना किसी देरी के। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्तों फेसबुक के संस्थापक दोस्तों कौन है, जो आप डेली अपने यूज ही करते हैं आप, ठीक है ना, तो दोस्तों आपको बताना है फेसबुक का संस्थापक कौन है दोस्तों, तो दोस्तों कौन है उसके, दोस्तों वो है आपके मार्क जुकरबर्ग, ठीक है ना, मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में दोस्तों फेसबुक को एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग 2004, ठीक है, डन है। ओके दोस्तों चलो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 क्वेश्चन कहता है कि दोस्तों अली बाबा के संस्थापक दोस्तों कौन है, ठीक है ना, तो दोस्तों आपकी शॉपिंग वेबसाइट है शायद, ठीक है, अली बाबा, तो दोस्तों इसके संस्थापक कौन है दोस्तों, तो दोस्तों इसके संस्थापक हैं आपके जैक मा, ठीक है ना, जैक मा ने 1999 को अली बाबा को एस्टेब्लिश किया था, ठीक है।
उसके फाउंडर हो जाएंगे आपके जैक मा। ठीक है ना भाई? ओके डन। ओके बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर है, कहता है कि दोस्तों नोकिया के संस्थापक दोस्तों कौन है। ठीक है ना, जो आपने दोस्तों नोकिया के फ़ोन देखे होंगे, ठीक है ना, जो आपके चले थे नोकिया 1600 चला था शायद। ठीक है दोस्तों, अब बताना है नोकिया के संस्थापक कौन है। तो बताइए दोस्तों कौन है। तो चलिए दोस्तों बताइए क्यों कौन है इसके फाउंडर। बताइए दोस्तों कौन है। वेरी गुड दोस्तों, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक आइडेस्टेम लियो मैकलिन। ठीक है ना, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। ओके दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की और 15 की ओर। दोस्तों 15 नंबर कहता है कि रिलायंस के दोस्तों संस्थापक कौन है। ठीक है ना दोस्तों, आपको बताना है रिलायंस के संस्थापक कौन है। सभी जानते हैं आप कौन है, धीरू भाई अंबानी। ठीक है ना, जिसको आप सभी जानते हैं, जिसके आप जियो की सिम आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं इंडिया में। ठीक है तो दोस्तों उसी को कहते हैं धीरू भाई अंबानी। दोस्तों रिलायंस जियो के संस्थापक हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था रिलायंस को 1997 को। ठीक है ना, 1997 को यानी 1997 को इसको लॉन्च किया था। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है ना, आना चाहिए दोस्तों को। वो क्वेश्चन जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, अब दोस्तों देखते क्वेश्चन नंबर 16 बिना किसी देरी के। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, कहता है कि दोस्तों ईबे के संस्थापक दोस्तों कौन है। ठीक है ना, ईबे के संस्थापक दोस्तों कौन है। तो दोस्तों कौन है वो आपको बताना है। दोस्तों कौन है वो, तो वो आपके पियरी ओमिडियार। ठीक है ना, पियरी ओमिडियार दोस्तों इसके संस्थापक हैं ईबे के। ठीक है, तो इन्होंने ईबे को लॉन्च किया था दोस्तों 1995 को। ठीक है ना, 1995 को इसको लॉन्च किया था। तो इसलिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पियरी ओमिडियार। ठीक है ना, डन। ओके दोस्तों, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि ट्विटर के संस्थापक दोस्तों कौन है। ठीक है ना, ट्विटर के संस्थापक दोस्तों कौन है ये आपको बताना है। तो कौन है वो, वेरी गुड दोस्तों, जैक डोर्स। ठीक है ना, जैक डोर्स 2006 में इसको ट्विटर को लॉन्च किया गया था दोस्तों। तो जैक डोर्स यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्विटर के संस्थापक कौन है दोस्तों, जैक डोर्स। ठीक, डन हो गया यहाँ तक भी, सभी को समझ आ रहा है ना यहाँ तक। ओके दोस्तों, तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 बिना किसी देरी के। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ चुका है, कहता है कि इंस्टाग्राम के संस्थापक दोस्तों कौन है। ठीक है ना दोस्तों, इंस्टाग्राम के संस्थापक दोस्तों कौन है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा केविन सिस्ट्रोम माइक करीजर। ठीक है ना, केविन सिस्ट्रोम माइक करीजर दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने 2010 में इसको लॉन्च किया था, किसको, इंस्टाग्राम को। डन होगी यहाँ तक भी। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्योंकि बिना किसी देरी के दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कहता है कि यूट्यूब के संस्थापक दोस्तों कौन है। ठीक है ना, यूट्यूब के संस्थापक दोस्तों कौन है, दोस्तों कौन है आपको बताना है। दोस्तों वो है आपके जावेद करीम इस्टी चैन। ठीक है ना, जावेद करीम इस्टी चैन दोस्तों इसके संस्थापक हैं आपके यूट्यूब के। ठीक है ना, इन्होंने यूट्यूब को लॉन्च किया था 2005 में। डन हो जाएगा यहाँ तक भी क्वेश्चन ये। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 कहता है स्काइप के दोस्तों संस्थापक कौन है। ठीक है ना, जो कि दोस्तों एक वीडियो कॉल करने का एक बहुत ही सिंपल सरल और आसान वे है, जिसको हम एक से दूसरे को हम वीडियो कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो स्काइप के माध्यम से हम कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो इसका संस्थापक कौन है आपको बताना है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका निकलेक्स। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, निकलेस जेंस्टम जेनस फ्रिस। ठीक है ना, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने दोस्तों 2003 में इसको लॉन्च किया था, किसको, स्काइप को। ठीक है ना, डन। कौन हो जाएगा दोस्तों, निकलेस जेंस्टम जेनस फ्रिस। ठीक है ना, चलो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 बिना किसी देरी के दोस्तों। तो दोस्तों 21 आपके सामने आ चुका है, कहता है कि टेस्ला के संस्थापक दोस्तों कौन है। ठीक है ना दोस्तों, टेस्ला के संस्थापक कौन है आपको बताना है दोस्तों।
दोस्तों देखिए टेस्ला के संस्थापक हो जाएंगे आपके एलोन मस्क, ठीक है ना। एलोन मस्क ने दोस्तों टेस्ला को एस्टेब्लिश किया था कब, 2003 में, 2003 में इसको एस्टेब्लिश किया था। डन दोस्तों यहाँ तक, ओके बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि इंटेल के संस्थापक दोस्तों कौन है, ठीक है ना, इंटेल के संस्थापक कौन है दोस्तों आपको बताना है ये, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर आपको राइट हो जाएगा गार्डन मूरे, ठीक है, 1968, गार्डन मूरे 1968 को दोस्तों इंटेल के संस्थापक गार्डन मूरे हैं और इन्होंने 1968 को इसको एस्टेब्लिश किया था, ठीक है दोस्तों। डन, ओके दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की और बिना किसी देरी के। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि सैमसंग के संस्थापक कौन है दोस्तों। अब दोस्तों आपको बताना है कि सैमसंग के संस्थापक कौन है, ठीक है, तो कौन है दोस्तों उसके, तो आपका ली बायंगुचुल, ठीक है ना, ली बायंगुचुल, ठीक है, इन्होंने 1938 को इसको एस्टेब्लिश किया था, किसको, सैमसंग को, ठीक है ना। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ली ब्यूंगचुल, ठीक है ना, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों ली ब्यूंगचुल, ठीक है ना, ली ब्यूंगचुल इसको पढ़ेंगे हम, जो कि सैमसंग के फाउंडर हैं। डन, ओके दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है, कहता है कि ज़ियोमी का संस्थापक दोस्तों कौन है, ठीक है ना, ज़ियोमी का संस्थापक दोस्तों कौन है आपको बताना है ये, ठीक है दोस्तों, कौन है तो वो, तो दोस्तों वो जाएंगे आपके लीजन, ठीक है ना, लीजन दोस्तों आपके संस्थापक हो जाएंगे किसके, ज़ियोमी के, ठीक है, उन्होंने 2010 में इसको एस्टेब्लिश किया था ज़ियोमी को, ठीक है दोस्तों, है तो डन है ना। दोस्तों ये थे आज के आपके कुछ कंपनीज और उनके फाउंडर, उनके संस्थापक, ठीक है, जो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ से दोस्तों, यहाँ से आपके 4 to 5 marks, ठीक है ना, अगर आपको एग्ज़ाम पूछे जाएंगे तो मैक्सिमम दोस्तों 4 से 5 marks आपके इस वीडियो में मैंने कवर करा दी है। इससे बचकर दोस्तों एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, अगर आपके कंपनी में से और उनके फाउंडर पूछता है तो दोस्तों इससे बाहर वीडियो, इससे बाहर क्वेश्चन कुछ जाने वाला नहीं है, मेरी गारंटी है आपके से। तो दोस्तों इसी वीडियो से हर एक क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस में दोस्तों बार बार रिपीट हुए थे, ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, आपको अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, नीचे आपको जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको कैसे भी करके दबाओ, बट सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ठीक है ना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना दोस्तों। तो चलो दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा।